असदुद्दीन ओवैसी और स्मृति ईरानी भारतीय राजनीति के दो बड़े चेहरे हैं। राजनीतिक मुद्दों पर इन दोनों सियासी शख्सियत की खासी पकड़ है। स्मृति और ओवैसी राजनीति के दो ऐसे चेहरे हैं जो अपनी बात को तथ्यों के आधार पर रखते हैं। ये दोनों राजनेता एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक विरोधी हैं। मुद्दों को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी देखने को मिल जाती है। राजनीतिक विचारधारा की बात करें, जहां स्मृति बीजेपी की विचारधारा अपनाती है, तो वहीं ओवैसी को मुस्लिमों का पैरोकार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों नेताओं में एक जबरदस्त कनेक्शन है मैकडॉनल्ड से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों नेताओं का फूड चेन मैकडॉनल्ड से क्या लेना देना। दरअसल ये तो आप सब जानते होंगे कि राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस थी। लेकिन टीवी में काम करने से पहले उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और इसी स्ट्रगल के दौर में स्मृति ईरानी ने मैकडॉनल्ड में काम किया और वहां पर इनका पहला काम पोछा लगाने का था। ऐसे ही कुछ काम असदुद्दीन ओवैसी को भी करना पड़ा था। दरअसल ओवैसी कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे। लंदन में पॉकेट मनी के लिए ओवैसी ने कई पार्ट टाइम काम किए। ओवैसी कभी स्टोर में हेल्पर बने तो कभी सफाई का काम किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन में मैकडॉनल्ड में काम किया और इत्तेफाक से ओवैसी को पहला काम पोछा लगाने का ही मिला था। स्मृति और ओवैसी के इस कनेक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।